गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट नंबर थ्री एंड द टॉपिक टाइटल इज द मिस्ट्री ऑफ द नाज़का लाइंस। मिस्ट्री मीन्स एन अनरिवील्ड सीक्रेट, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको पता ना चला हो कि वो क्या है। आप उसके लिए सस्पेंस फील करते हो, आपको क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या चीज़ है, बट दैट इज़ स्टिल अनरिवील्ड, आपको पता नहीं चलता कि वो क्या चीज़ है। आज का हमारा लेसन ऐसे ही कुछ लाइंस के बारे में है जो कि ज़मीन पर कुछ इंसानों ने, साइंसदानों ने डिस्कवर की और वो आज तक इस तलाश में हैं, इस कोशिश में हैं कि उनका उन कौन सी लाइंस हैं, ये किसने ड्रॉ की हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, यहाँ तक पहुँच सकें। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि आपने कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर की हो जो कि स्ट्रेंज हो, बहुत अजीब हो और आप उसके बारे में हैरान हो कि वो क्या है? क्या आपने कभी ज़मीन पर या सहरा में ऐसी शेप्स देखी हैं जो कि देखने में मंकीज लगती हों? मुश्किल है, लेकिन जस्ट फॉर योर माइंड मेकिंग के कभी आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो और आपने उसको नोटिस किया हो, या आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि एलियंस जो हैं वो ज़मीन पर अपने मैप्स ड्रा करते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो देखते हैं आज का लेसन हमें क्या बता रहा है। इन द 1920s फ्लाइंग बिकेम अ वेरी पॉपुलर हॉबी ऑफ द रिच। 1920s में फ्लाई करना, उड़ना बिकेम अ वेरी पॉपुलर, एक बहुत फेमस हॉबी बन गई अमीर लोगों की। आई एम श्योर यू हैव योर हाइलाइटर्स इन योर हैंड्स, प्लीज़ हाइलाइट द वर्ड मिस्ट्री एंड राइट द मीनिंग एंड इन फर्स्ट पैराग्राफ हाइलाइट द वर्ड पॉपुलर एंड राइट द मीनिंग फेमस। 1920s में उड़ना अमीर लोगों की एक बहुत पसंदीदा, अमीर लोगों का एक बहुत पसंदीदा शौक बन गया हुआ था। दे बॉट लिटल प्लेन्स एंड फ्लू फार इन टू द कंट्री साइड, वो छोटे छोटे जहाज़ लेकर आते और दूर दराज के इलाकों में, अपने विलेज एरियाज़ में उनको उड़ाने की कोशिश करते, अवे फ्रॉम द लार्ज टाउन्स विद देयर टॉल बिल्डिंग्स। और वो कंट्री साइड पर क्यों जाते थे, अंडरलाइन कर लीजिए विलेज, इसका मतलब लिख लें, ताकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े शहरों से दूर जाकर खुली जगह पर वो अपने उड़ने की प्रैक्टिस कर सकें। द लिटल प्लेन्स कुड नॉट फ्लाई वेरी हाई एंड मैनी ऑफ देम डिड नॉट इवन हैव ग्लास विंड स्क्रीन्स, ये छोटे छोटे जहाज ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ते थे और उनमें से बहुत सारे छोटे जहाज़ों के सामने तो विंड स्क्रीन भी नहीं लगी हुई थी। द पायलट्स वोर गॉगल्स टू प्रोटेक्ट देयर आईज, प्रोटेक्ट अंडरलाइन हाईलाइट एंड राइट द मीनिंग डिफेंड। पायलट्स जो हैं वो गॉगल्स पहनते थे और अपनी आँखों को बचाने के लिए, एंड दे नेविगेटेड बाई लुकिंग डाउन एंड फॉलोइंग द रोड्स, और वो अपना रास्ता कैसे तलाश करते थे, नीचे देखकर, मतलब डायरेक्टली ज़मीन की तरफ देखकर और सड़कों को फॉलो करके वो अपना रास्ता ढूंढते थे। द स्टोरी ऑल बिगेन, नेविगेट अंडरलाइन कीजिए, टू फाइंड वे एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द स्टोरी ऑल बिगेन व्हेन अ पायलट flying over the Nazca Desert in Peru in South America looked down and saw the most extraordinary sight. ये कहानी शुरू होती है जब एक पायलट ने नाज़का सहरा के ऊपर से उड़ते हुए पेरू के मुकाम पर साउथ अमेरिका में नीचे देखा और उसको बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब, गैर मामूली चीज़ नज़र आई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी That is unusual. He could not believe his eyes. उसको अपनी आँखों पर एतबार ही नहीं हुआ। There were huge patterns and shapes on the floor of the desert.
सहरा के फर्श पर बड़े बड़े पैटर्न्स और शेप्स बनी हुई थी। ही थॉट ही न्यू द एरिया वेल बट ही हैड नेवर सीन सच थिंग्स बिफोर। उसका ख्याल था कि वो इस एरिया को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी ऐसी कोई चीज़ पहले नहीं देखी थी। When he landed his plane, जब उसने अपना जहाज लैंड किया, he got into his car, वो अपनी गाड़ी में बैठा and raced to the spot, और उस जगह की तरफ उसने गाड़ी दौड़ाई where he had seen the lines, जहाँ उसने वो lines देखी थी। However, he could see nothing except the dry sandy landscape with its heaps of stones and dust. ताहम उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। जब वो रोड पर गया, अपनी गाड़ी पर गया और गाड़ी से उतर के उस जगह पर उसने देखा, तो उसको कोई पैटर्न, कोई लाइंस, कुछ नज़र नहीं आया। सिर्फ बहुत ज़्यादा ड्राई, सूखी हुई रेत थी दूर दूर तक, और इसके साथ पत्थरों के ढेर थे और मट्टी थी। हीप्स अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब होता है बल्क में कोई चीज़ पड़ी हो, जैसे ढेर कह सकते हैं आप इसको। मच इंट्रीक्ड, बहुत ज़्यादा उसको तजस्सुस हुआ। ही कॉन्टेक्टेड हिज पायलट, उसने अपने पायलट फ्रेंड के साथ रابطہ किया इन लिमा, लिमा के मुकाम पर जो रहता था, द कैपिटल ऑफ पेरू, जो कि पेरू का दारुलकूमत है। दे केम फ्रॉम द सिटी, वो शहर की तरफ से आए, एंड बिगेन टू फ्लाई अराउंड द डेजर्ट, और डेजर्ट के इर्द गिर्द उड़ना शुरू कर दिया। एवरी डे दे फाउंड मोर स्ट्रेंज लाइंस एंड शेप्स, और हर रोज़ जब वो उड़ते थे तो उनको और अजीबोगरीब शेप्स और लाइंस नज़र आती थी। देन द पायलट्स ट्राइड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द लाइंस एंड शेप्स। डिटरमाइन मीन्स टू डिसाइड। फिर पायलट्स ने कोशिश की कि उस एरिए के साइज को, जहाँ पर ये लाइंस और शेप्स बनी हुई थी, उसका एस्टिमेट लगाएं कि वो कितना एरिया है। इट वॉज अबाउट 450 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये 450 मुरबा किलोमीटर था, विदाउट एनी टाउन और विलेज, और इस जगह पर ना तो कोई टाउन था ना ही कोई विलेज था। मोस्ट ऑफ इट वॉज फ्लैट, दो इट वॉज बॉर्डर्ड ऑन वन साइड बाई माउंटेन्स, ज़्यादातर ये फ्लैट जगह थी, बिल्कुल प्लेन जगह थी, अगरचे उसकी एक साइड पर पहाड़ों से बाउंड्री लाइन भी बनी हुई थी, यानी एक साइड पे पहाड़ी सिलसिला भी था। द पायलट्स नेक्स्ट प्लॉटेड द शेप्स, देर वर ह्यूज लाइंस दैट लुक लाइक ग्रेट हाईवेज, देर वॉज अ ह्यूज मंकी विद अ स्प्रिलिंग टेल एंड सेवरल पैटर्न्स ऑफ बर्ड्स। पायलट्स ने फिर उन शेप्स को गौर किया, उनके बारे में देखने का डिसाइड किया कि उनको देखें वो कैसी हैं, तो क्या फाइंड आउट किया उन्होंने कि बड़ी बड़ी लाइंस थी जो कि ग्रेट हाईवेज लग रहे थे, यानी ऐसे लग रहे जैसे बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, और ह्यूज मंकी शेप थी जिसकी टेल जो है वो गोल हुई होती है, और उसके साथ साथ सेवरल पैटर्न्स ऑफ बर्ड्स, परिंदों के कई किस्म के नमूने थे, मीन्स परिंदों की मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई थी। News of the discovery of the Nazca Lines spread far and wide. अब Nazca Lines का दरियाफ्त होने की खबर दूर दराज तक फैल गई। Discover करना, किसी चीज़ को find out करना, underline करें और meaning लिखें, far and wide, दूर दूर तक। People were fascinated, underline कर लीजिए, inspired, INSPIRED, लोग बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हो रहे थे, फैसिनेट हो रहे थे, अट्रैक्शन फील कर रहे थे। दे सून रियलाइज्ड, उन्हें जल्दी महसूस हो गया, लाइक द पायलट्स की तरह, दैट यू कैन नॉट सी दीज पैटर्न्स एंड शेप्स फ्रॉम द ग्राउंड। और लोग वहाँ जाते देखने, लेकिन उन्हें कोई चीज़ ना मिलती, और उन्हें पता चल गया कि पायलट्स की तरह उनको भी ज़मीन पर कोई शेप, कोई पैटर्न नहीं मिलेगा।
एज दे आर फॉर्म्ड बाय वेरी शैलो फरोज और लो माउंट्स ऑफ ग्रेवल, क्योंकि ये बने हुए थे बहुत ही शैलो, बहुत ही खाली फरोज यानी डीप रिंकल। फरोज को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए डीप रिंकल, जैसे स्किन पे कोई बहुत गहरा सा रिंकल बना हो, इसी तरह ज़मीन की स्किन पर ये बहुत गहरे डीप रिंकल्स की तरह के बने हुए थे। और लो माउंट्स ऑफ ग्रेवल, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वो इस तरह की शेप्स थी कि जो आप ज़मीन पर इस तरह बनी हुई थी कि आम आंख पे आप जब आम आंख से आप उसको ज़मीन पे चलते हुए नहीं देख सकते थे। दे आर आल्सो ज्योमेट्रिकली परफेक्ट, लेकिन एक बात और भी थी कि वो परफेक्ट लाइंस थी ज्योमेट्रिकली, यानी वो उनकी मेजरमेंट के हिसाब से वो बेस्ट डिज़ाइन की हुई लाइंस थी। द पीपल हु सॉ देम बिगन टू वंडर अबाउट देयर ओरिजिन एंड देयर मीनिंग्स, जिन लोगों ने उनको देखा फ्लाई करते हुए वो हैरान थे कि ये इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई हैं और इसका मतलब क्या है। हु कंस्ट्रक्टेड दिस पैटर्न्स, कंस्ट्रक्ट टू बिल्ड, किसने इन पैटर्न्स को बनाया है। हु वर दे मेड एंड वाई, ये क्यों बनी थी और किसके लिए बनी थी। मैनी आर्कियालॉजिस्ट हैव सिंस स्टडीड द लाइंस, बहुत सारे आर्कियालॉजिस्ट अंडरलाइन कर लीजिए, वो लोग जो कि ज़मीन का इल्म रखते हैं और ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और हमें पहुँचाते हैं, दे आर कॉल्ड आर्कियालॉजिस्ट। हैव सिंस स्टडीज द लाइंस, अभी तक वो इन लाइंस को स्टडी कर रहे हैं। अमंग द मोस्ट फेमस वॉज मारिया रिची, उनमें सबसे ज़्यादा अहम जो है और सबसे ज़्यादा मशहूर आर्कियालॉजिस्ट है वो है मारिया रिची। शी वॉज अ जर्मन बॉर्न मैथमेटिशियन एंड आर्कियालॉजिस्ट हु वॉज लिविंग इन पेरू व्हेन शी हर्ड अबाउट द लाइंस एट नास्का। वो जर्मन बॉर्न यानी वो पैदा हुई थी जर्मन में और वहाँ की वो एक मैथमेटिशियन है, माहिर मैथ, माहिर रियाजियात हैं और आर्कियालॉजिस्ट हैं जो कि पेरू में रहती थी। जब उन्होंने नाजका लाइंस के बारे में सुना, अराउंड 1946 शी बिगेन टू मेक मैप्स ऑफ द फिगर्स ऑन द ग्राउंड। 1946 के अराउंड अबाउट के दिनों में, 1946 में उसने इन मैप्स को, इन फिगर्स के मैप्स को ड्रा करना शुरू कर दिया ज़मीन पर। एज अ यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की के तौर पर, शी वॉज क्वाइट शाय, वो काफ़ी शर्मीली थी, बट हर डिवोशन टू हर वर्क एंड हर डिटर्मिनेशन टू प्रिजर्व द लाइंस मेड हर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड। पहले वो एक शर्मीली सी लड़की थी लेकिन जब उसने एक पक्का इरादा कर लिया टू प्रिजर्व द लाइंस, प्रिजर्व अंडरलाइन कीजिए, सेव द लाइंस एंड मेड हर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड, इस चीज़ के उसने इन लाइंस को सेव करना है, तो इस चीज़ ने उसको एतमाद भी दिया और वो बहादुर भी हो गई। शी कन्विंस्ड द Peruvian Air Force to help her with photographic surveys and she urged the government to control the development of the area and visit to it. उसने Peruvian Air Force से कहा कि वो photographic survey यानी वो जाएँ, उनकी तस्वीरें बनाएं Nazca Lines की और उसको provide करें। उसके साथ ही उसने government को ये भी कहा कि उस area के visits को भी control किया जाए और उसकी development को भी देखा जाए कि वहाँ पर कैसा डेवलपमेंट का कोई वर्क हो रहा है या नहीं, ताकि उन लाइंस को सिक्योर किया जा सके। स्पेंडिंग मच ऑफ हर ओन मनी इन दिस एफर्ट, मारिया ने बहुत सारा पैसा खुद से लगाया इस कोशिश में। शी बिकेम वेरी वेल नोन इन पेरू और वो बहुत मशहूर हो गई पेरू में, एंड द लोकल पीपल कॉल्ड हर द लेडी ऑफ द लाइंस, और वहाँ के मुकामी लोगों ने उसको लेडी ऑफ द लाइंस कहना शुरू कर दिया, यानी एक खातून जिसकी वजह शोहरत थी ये लाइंस बन गई। मारिया रिची बिलीव दैट द लाइंस वर अ टाइप ऑफ सन्स कैलेंडर, मारिया रिची का यकीन था कि ये लाइंस जो हैं ये एक सन कैलेंडर की किस्म की हैं, बट अदर पीपल हैड मोर अमेजिंग आइडियाज़, लेकिन दूसरे लोगों के पास इससे भी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ थे। वन पर्सन एक्चुअली थॉट देवर प्रूफ दैट एलियंस फ्राम अदर प्लैनेट्स हैड विजिटेड अर्थ एंड द पैटर्न्स एट नाजका वर अ सॉर्ट ऑफ गाइड और मैप फॉर देम, एक शख्स ने तो ये भी कहा, एक शख्स ने तो यहाँ तक सोच लिया कि ये सबूत हैं कि एलियंस जो हैं वो दूसरे प्लेनेट से आते हैं हमारी अर्थ को विज़िट करने और यहाँ आके अपने पैटर्न्स या अपने गाइड मैप्स बनाते हैं। सम अदर सजेस्टेड दैट द लाइंस वर अ मेमोरियल टू अ ग्रेट फ्लड दैट नियरली ड्रोन द डेजर्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कुछ और लोगों ने यह ख्याल किया कि ये लाइंस जो हैं ये एक यादगार हैं उस अजीम
सैलाब उस अजीम सैलाब की जिसने सहरा को डबो दिया था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले सहरा को डबो दिया था एक सैलाब ने, और उसके बाद जब वो पानी वहाँ से निकल गया तो वहाँ पर वो लाइंस बन गई। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है। A scientist posed that the lines told us where the water supplies were. एक साइंसदान का ये भी ख्याल था कि ये लाइन्स हमें बताती हैं कि पानी की सप्लाई कहाँ कहाँ पे है। Yet others considered that it was a place of religious importance. कुछ लोगों ने इसको मजहबी अहमियत की जगह भी करार दिया। अंडरलाइन करेंगे आप रिलीजियस इम्पोर्टेंस सप्लाइज। मोर रिसेंटली मैनी पीपल वर सरप्राइज। मोर रिसेंटली यानी मज़ीद आप कह लें कि अभी हाल ही में बहुत से लोग इस बात से हैरान हुए हैं। वेन अ न्यू पैटर्न वॉज फाउंड ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन, कि जब पहाड़ की एक साइड पर एक नया नमूना एक नया पैटर्न उन्हें देखने को मिला। इट वॉज अ मैन हु सीम्ड टू बी लुकिंग अप एट द स्काई एंड वेविंग। एक आदमी बना हुआ था जो कि आसमान की तरफ देख रहा है और हाथ हिला रहा है फॉर सम हेल्प। This was discovered by astronauts taking photograph of the Earth from space. एक एस्ट्रोनॉट ने एक खलाबाज ने इस बात को डिस्कवर किया जब वो स्पेस की तस्वीरें ले रहा अर्थ की तस्वीरें ले रहा था स्पेस से। Scientists have determined that the Nazca lines were built over a long period. साइंसदानों का ये यकीन है कि Nazca lines बहुत लंबे अरसे में बनी हैं और बहुत ऐसा पहले बनी थी फ्रॉम 400 BC बिफोर क्राइस्ट 400 के 500 ईयर्स पहले। टुडे द एरिया कवर्ड बाय द लाइंस इन अ लार इन अ वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आज ये एरिया जिस पे ये लाइंस देखी जा सकती हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज है यानी दुनिया का एक वर्सा है। हेरिटेज अंडरलाइन कीजिए और लिखिए हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। हेरिटेज साइट है, वर्सा है, तारीखी और रवायती जगह है, वर्सा है। Declared by so by UNESCO in 1995, और इस बात को UNESCO ने 1995 में डिक्लेयर भी कर दिया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ पेरू इज़ इट्स ऑफिशियल प्रोटेक्टर, और पेरू की हुकूमत को इसका सरकारी मुहाफिज बना दिया गया। यानी ये पेरू की हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इन नाज़का लाइंस को एक दुनिया के एक वर्से के तौर पर इस जगह की हिफाजत करें। नो वन इज़ अलाउड टू ड्राइव अ कार नियर द साइट, और लोगों को ये अलाउ नहीं है कि वो इन जगहों पे के करीब अपनी गाड़ी में सफ़र करें। एंड पीपल कैन ओनली वॉक देयर विद गाइड्स, यहाँ पे गाड़ियों का जाना अलाउ नहीं है और यहाँ पे लोग सिर्फ अपने गाइड्स के साथ अपने रहनुमाओं के साथ जो कि उन्हें इनके बारे में इस एरिया के बारे में गाइड करें जा सकते हैं। रीड इट केयरफुली।